आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ न्यूक्लियर एनवेलप तो न्यूक्लियर एनवेलप का क्या फीचर है अब सबसे पहले ये क्या होता है नाउ दिस इज द मेंब्रेन ऑफ अ न्यूक्लियस जो कि प्रेजेंट होता है इन यू कैरियोटिक सेल्स तो लेट्स सी किस तरीके का होता है तो लेट्स सपोज ये है मेरा सेल सेल अंदर के अंदर है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर है न्यूक्लियस अब ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है अगर मैं इसको देखती हूं तो ये होता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो अगर डबल मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि इसमें होता है एक इनर मेम्ब्रेन एंड एक आउटर मेम्ब्रेन इज सेपरेटेड बाय अ स्पेस तो ये दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियर एनवेलप अब यहाँ पे मैंने जो ये स्पेसेस बनाए हैं दीज आर नथिंग बट द न्यूक्लियर पोर्स तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगी किसी सरफेस को तो इस तरीके के छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे तो दीज आर नथिंग बट न्यूक्लियर पोर अब तो ये दो ये जो पूरा है ये मिलके क्या बना रहा है हमारा न्यूक्लियर एनवलप अब इन्हीं के जो फंक्शन है इस पर हमारा डिपेंड करता है न्यूक्लियर पोर के और सॉरी न्यूक्लियर एनवलप के कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबसे पहला तो ये पोर क्या करता है नाउ ये अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस या मैं कह सकती हूँ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इन एंड आउट फ्रॉम द सेल सॉरी फ्रॉम द न्यूक्लियस अंदर बाहर क्या सब्सटेंसेस जा रहे हैं न्यूक्लियस के वो डिपेंड करता है न्यूक्लियर पोर्स में अब कौन से सब्सटेंसेस है जो भी कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं जो भी राइपोजोम अंदर प्रोटीनस बना रहा है देन उसके पास जो आर एन ए है वो वहाँ बाहर जा रहा है ताकि फर्दर आगे प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके उसके अलावा जो भी लिपिड्स हैं आगे जा रहे हैं एक्सेट्रा जो भी जो है आ, कोई सिग्नलिंग दे रहा है या कुछ भी है वो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है दैट इज थ्रू प्रोड्स उसके अलावा न्यूक्लियर एनिमल का क्या काम है जो डीएनए है अंदर विच इज नथिंग बट द जेनेटिक मटेरियल उसको ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म अब अगर मैं साइटोप्लाज्म को देखती हूँ तो इसमें सारे ऑर्गेनलीज़ सस्पेंडेड हैं तो यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं और आई कैन से जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज है तो होती रहती हैं तो डीएनए के साथ वो इंटरफेयर ना करें क्योंकि अगर किसी रिएक्शन ने डीएनए को ऑल्टर कर दिया तो वो बिल्कुल पास ऑन होता रहेगा जो सेल डिवीजन है उसमें तो इसीलिए डीएनए की जो है एक सेफ जगह होनी चाहिए और ये सेफ जगह उसको कौन प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर एनवेलप सो ये है फंक्शन सो दीज आर द और दैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेकर नीट आई, आई आई टी जे मेन्स एडवांस के लेवल तक ता, दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर